आज है संडे, इसलिए मैं आज थोड़ा सा लेट उठा था। 8:30 बजे उठ गया था, तो फिर मुझे होमवर्क था। तो वो चाचा, पापा, भैया, मम्मी, चाची, वो सब गए थे हमारे दूसरे खेत ग्रास काटने के लिए। आज भी गए थे, कल भी गए थे, तो अभी वो आ रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि व्लॉग दिखा दूँ। वहाँ पर तो मैं नहीं गया था क्योंकि मुझे बहुत सारा होमवर्क था, तो कंप्लीट भी करना था। और अभी वो बस आ रहे हैं, खेत से निकल गए हैं। यहाँ से थोड़ा सा कीचड़ है इसलिए देर लगती है, इसलिए तो ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं। तो अभी वो लेके आ रहे हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए, आप लोग अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज मौसम है बहुत ही बढ़िया है और एनिमल्स को बाहर बांधा है। और अभी बस वो यहाँ पर सामने वो घर है वहाँ पर पहुँच गए हैं ट्रैक्टर लेके। तो वो कल का ग्रास अब थोड़ा सा ही बचा था तो आज फिर से काट के लिए आए हैं। अब तो ऐसा चलता ही रहेगा कितने दिनों तक, जब तक बारिश हो रही है तब तक, क्योंकि ये सब हमारे बोर्डर्स होते हैं, वो सामने वो सब कट करने पड़ते हैं, फिर दूसरे खेत में भी होते हैं। तो मूंगफली भी ऐसी हो चुकी है हमारी, तो अब बस बीच में कोई थोड़ी सी जगह बची है, बाकी जगह भी नहीं है। और वो सामने मंदिर वाला जो खेत है वहाँ पर तो बिल्कुल भी जगह नहीं है, इसमें थोड़ी थोड़ी है अभी। तो अभी वो आ चुके हैं, आप देख सकते हैं सामने चाचा ट्रैक्टर चला रहे हैं और भैया ऊपर बैठा है। तो मम्मी चाची वो सब चल के आ रहे हैं। मेरे हाथ में है रोटी, तो अब ये पहली रोटी है राधा के लिए, क्योंकि मैं घर पर हूँ आज, इसलिए मैंने सोचा कि मैं गाय को रोटी दे देता हूँ। टाइगर यहाँ पर क्या कर रहा है? टाइगर वो भी रोटी खा रहा है। अब बारी है दोनों गायों के, श्यामा और नंदिनी की, राधा को दे दी है। और देखो, श्यामा का तो ये रोज का है, तो उसको तो पता भी चल जाता है, उसको पता है कि अब मेरा रोटी का टाइम है। तो पहले एक को यहाँ पर रख दूँगा, तो एक नंदिनी की है इसलिए। चल तो अब ये श्यामा के लिए। श्यामा चल, ये तो मुझे मारती है दोस्तों, ये कभी कभी सींग लगा देती है सबको, तो इसका ध्यान रखते हैं हम। वो मैं जो नंदिनी है वो कुछ नहीं करती। तो ये जो ग्रास काटने के लिए गए थे, तो वो इतना ग्रास हम ले आए हैं, घास कल गए थे वहाँ पर भी, वहाँ पर ही गए थे, आज थोड़ा सा वहाँ पर पड़ा है कल का, तो ये है आज का। और उस रास्ते में कीचड़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये पहिए बिगड़ चुके हैं ट्रैक्टर के। तो ये घास 2 दिन तक चलेगा, लेकिन हमारे एनिमल्स है 11 अभी, तो ये घास तो 2 दिन भी नहीं होंगे पूरे हो जाने में। और सब नहीं डाल देते क्योंकि उसका हम मैनेज करना पड़ता है, फिर जब घास नहीं होगा तब क्या करेंगे, इसलिए अभी घास है तो घास ही डालते हैं, सूखा चारा कम डालते हैं। लेकिन फिर भी तो हमारी मूँगफली भी हो जाएगी 2 महीनों के बाद, 2-3 महीनों के बाद। तो भी बना रहे थे नींबू का अचार, तो मैंने सोचा कि दिखा दूँ।
तो ये है एक कांच की बरनी, तो उसमें भर रहे हैं। पहले जो उसका मसाला होता है वो भरना होता है, फिर इसमें थोड़े दिन रखना पड़ता है, फिर बनते हैं ये। टूटी गई ना। और बैल गए हैं हमारे दूसरे खेत आज चलाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप निकली है तो अब सूख गया है खेत। वो सामने यहाँ से दूर ठीक सामने है, वहाँ पर गए हैं चलाने के लिए। ये बैलगाड़ी वहाँ पर पड़ी थी तो बैलगाड़ी लेके गए थे। अभी जो ट्रैक्टर में घास था वो खाली कर दिया है, अंदर रख दिया है, आपने देखा अभी आगे। तो मुझे अब यहाँ से ट्रैक्टर ले जाना होगा, गोडाउन में रख दूँगा, क्योंकि बारिश आएगी रात में तो ट्रैक्टर भी ना भीगे, और यहाँ पर पशुओं को भी बांधने की जगह है, इसलिए यहाँ से ले जाना पड़ेगा। तो घास को तो यहाँ पर अंदर रख दिया है साइडों में, तो वो भी नहीं भीगेगा। तो अभी ट्रैक्टर को अंदर पार्क कर देता हूँ। चलिए मैं अब ट्रैक्टर को स्टार्ट करता हूँ। पहले गियर को न्यूट्रल करो। तो अभी यहाँ पर ट्रैक्टर पार्क कर दिया है, ट्राली भी अंदर है, ओपनर भी अंदर है। तो अभी दो दिन जितना घास चल जाएगा उतना हमने काट लिया है, तो अभी यहाँ पर रख दिया। फिर जब जाना होगा तब ट्रैक्टर लेके फिर से घास काटने के लिए जाएंगे। तो अभी तो पार्क कर दिया, अब मुझे चाय देने जानी पड़ेगी दूसरे खेत, क्योंकि बैल चलाने के लिए गए थे। तो जाऊँगा तो मैं दिखाऊँगा आपको। तो अभी मैं और दीपक जा रहे हैं चाय देने के लिए, दूसरे खेत में बैल चला रहे हैं वहाँ पर। तो चल के जा रहे हैं क्योंकि इस रास्ते पे बाइक नहीं निकलती, इसलिए तो अभी बस आधे रास्ते पहुँच गए हैं। तो फिर वहाँ जाके मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर पीछे ये रास्ता है उसमें है पानी भरा है, तो वो भी दिखा देंगे। तो ये जो पूरा रास्ता है इसमें पानी है, जिसमें से हमने ट्रैक्टर निकाला था, और ये भी घास ही है, ये भी काटना पड़ेगा। खेत यहाँ से और सामने हमारा घर, तो ठीक यहाँ है, यही रास्ता है जाने के लिए, वहाँ तक अभी तो जाना है ठीक सामने। तो अभी पहुँचे हैं हम ये खेत पर। तो इसमें ऐसी है मूंगफली,
और अभी आगे ही जाना है। तो अभी भैया चला रहा है बेलो को, तो वो थोड़ा सा शर्मा रहा है। और इस खेत में आए हैं सामने जयेश भाई का घर, तो ये कल्टीवेटर फिर से लाए हैं दूसरे, तो ये मूंगफली में चला रहे हैं क्योंकि ये मूंगफली अभी थोड़ी सी छोटी है इसलिए इसमें चल रहा है। फिर ब्लेड होती है वो चलाना है, जिसको हम बलून बोलते हैं यहाँ पर। तो ये लास्ट बार चलाना है क्योंकि अब बारिश नहीं है तो चला सकेंगे। अभी गेत गीला तो है खेत, लेकिन चलेगा। और पापा वो सब सामने वहाँ पर खड़े हैं, तो मैं अभी यहाँ पर आया हूँ घूमने क्योंकि संडे है। से लेकर वो खेत यहाँ पर आधा से ज़्यादा हो गया है, ये थोड़ा सा बाकी है। तो अब बस पूरा हो जाएगा, 5 बज गए हैं। वो तो धूप नहीं निकली है इसलिए थोड़ा सा आपको अंधेरा जैसा लग रहा होगा क्योंकि शाम हो गई ऐसा लगा होगा। तो अभी बस 5 बजे हैं, फिर 6 बजे तक ही चलाएंगे, ये आधे घंटे 1 घंटे में पूरा हो जाएगा। फिर वो दूसरा खेत। तो दोस्तों अभी आज का व्लॉग हम यहाँ पर ही एंड करेंगे। तो अभी मैं खेत से वापस आ चुका हूँ, अभी बज गए हैं 6:30। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में। तो आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताना। सॉरी कल के व्लॉग में तो नहीं आएंगे, शायद परसों के व्लॉग में आएंगे। तो तब तक के लिए बाय, और आज का व्लॉग हम यहाँ पर ही एंड करेंगे। और व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ट्रैक्टर भी यहाँ पर पीछे रख दिया है, आप देख सकते हैं। तो बस मस्त वातावरण है अभी शाम का, तो कमेंट भी अच्छे आ रहे हैं। और रिप्लाई तो मैं नहीं देता, भैया मम्मी पापा वो दे देते हैं टाइम होता है तो। तो बस मिलते हैं कल के व्लॉग में।